Hello guys and welcome to Aficionado's Den where we stay in class. And guys, गर्मियाँ जा रही हैं, winter is coming, but मैंने सोचा कि let's bid adieu to summers, the last beer of this year, and that is Guinness. Guys, I came across this beer in a retail store. एंड मुझसे रहा नहीं गया कि मैं इसका रिव्यू ना करूं, मैं अगले साल के लिए इसको टाल देता, मुझसे रहा नहीं गया. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर रिव्यूइंग दिस बियर एंड दिस इज़ द लास्ट बियर रिव्यू ऑफ दिस ईयर. प्रॉब्ली अब जो है नेक्स्ट ईयर ही शुरू होंगे बियर के रिव्यूज़. अब जो है गोइंग फॉरवर्ड देयर वुड बी मोर ऑफ विस्कीज एंड रम्स कमिंग इन एंड मोर ऑफ ब्रांडीज कमिंग इन, कोनियाक्स. तो स्टे ट्यून्ड, देयर इज अ लॉट कमिंग योर वे दिस ईयर एज वेल. बट एज ऑफ नाउ आयरलैंड की फेवरेट ड्रिंक, वर्ल्ड फेमस ड्रिंक गिनेस. सो गाइस, गिनेस इज एन आयरिश ड्राई स्टाउट. अब ये ड्राई स्टाउट क्या होती है? सो गाइस, ड्राई स्टाउट इज अ डार्क बियर एंड इट इज ड्राई बिकॉज इट हैजंट गॉट एनी स्वीटनेस इन इट. Now, there are other types of stout as well. There are sweet stouts available in US and England. So, इसलिए to differentiate between those stouts, इसको dry stout कहा गया, Irish dry stout. And dry stout is basically top fermented. Top fermented is that beer which is warm fermented beer. और जो ईस्ट होता है वो वार्म एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि वो फर्मेंटेशन थोड़ा जल्दी हो. दिस बियर इज मेड अप ऑफ माल्टेड बार्ले एज वेल एज रोस्टेड अनमाल्टेड बार्ले. तो क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस बियर एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि 2017 से पहले इसमें यूज़ किया जाता था आइसिंग ग्लास विच वॉज मेड अप ऑफ फिश ब्लैडर. तो इसलिए उससे पहले इट वॉज नॉट सूटेबल फॉर वीगन्स एंड वेजिटेरियंस. बट आफ्टर 2017 दे ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग बियर विच वॉज फ्री फ्रॉम दैट आइसिंग ग्लास बींग यूज इन द बियर. तो दैट्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द बियर. अभी बहुत कुछ है इस बियर के बारे में बताने को मेरे पास, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो टिल द एंड. देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज कमिंग योर वे अबाउट दिस बियर. चलिए, क्या आपको ये पता है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो भी इसी कंपनी की है? यस. तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड. सो द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड एज अ रेफरेंस बुक विच केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ अ पब आर्ग्यूमेंट. So what happened is there was this guy, the Dublin brewery jo director the, he was sitting in a pub and he got into an argument about the fastest game bird, jo shikar ka pakshi hota hai uske liye. So he couldn't find any reference for that. So as a result he came up as an idea to give these books to pubs as a reference book in 1951 with the Guinness logo on it. So then it became Guinness Book of World Records, and in the year 1955 it was published as Guinness Book of World Records. The I'll let you know, the first Guinness was made in the year 1759 in Arthur Guinness Brewery which was in Dublin. तो दैट्स अबाउट गिनेस. मैं इसके बारे में और फन फैक्ट्स आपको बताऊंगा. आपको जान के हैरानी होगी कि द ओरिजिनल लीज ऑफ द लैंड वे द आर्थर ब्रूवरी वॉज एस्टैब्लिश्ड वॉज फॉर 9000 ईयर्स. 9000 साल के लिए वो लीज साइन हुई थी एंड वो अभी भी लीज चल रही है. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आर्थर गिनेस ने वो लैंड खरीद ली थी. So now that lease is not valid, but yes, initially it was signed for 9000 years. एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा गिनेस के बारे में कि गिनेस में नाइट्रोजन गैस होती है इन कॉम्बिनेशन विद कार्बन डाइऑक्साइड
as opposing to other beers in the market which have only got carbon dioxide in it, Guinness has got nitrogen in it as well, which makes the froth more foamy and more creamy in texture. तो अगर आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जो गिनेस का कैन होता है उसमें एक छोटा सा बॉल होता है, ये है वो बॉल, इसमें नाइट्रोजन होती है. तो जैसे ही आप कैन खोलते हैं, ये नाइट्रोजन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड इट मेक्स द फोम ऑफ गिनेस मोर क्रीमी इन टेक्सचर, क्योंकि उसके बहुत छोटे छोटे बबल्स होते हैं. आपको और जान के हैरानी होगी कि गिनेस जो थे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था एल प्रोड्यूस करने से, ना कि स्टाउट. बट फिर उन्होंने दे स्विच देयर प्रोडक्शन फ्रॉम एल टू स्टाउट बिकॉज दे सॉ दैट स्टाउट वॉज अ मच मोर सेलिंग प्रोडक्ट दैन एल. सो दे स्विच देयर प्रोडक्शन फ्रॉम एल टू स्टाउट. आपको एक और चीज़ जान के बहुत हैरानी होगी कि गिनेस का एक 6-step पोरिंग प्रोसेस है पूरा का पूरा, जो कि बार्स में यूज़ किया जाता है टू पोर गिनेस बियर फ्रॉम द टैप. आपको इससे भी ज़्यादा जान के हैरानी होगी कि गिनेस इज ब्रूड इन ओवर 50 कंट्रीज एंड इज सोल्ड इन ओवर 160 कंट्रीज. एंड एज अपोजिंग टू द पॉपुलर बिलीफ दैट आयरलैंड इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गिनेस, that is actually not the case. The first largest consumer of Guinness is Britain and the second largest consumer is Nigeria. The third largest consumer in the world is Ireland. ek cheez aur jaan ke hairani hogi ki jo ye harp hai, the logo of Guinness, this was the first among the first logos that was used in Ireland and this is facing right. And the coat of arms of Ireland also has a harp. Now, you would be amazed to know ki jo government thi unko problem ho gayi thi how to use the harp because it was already being used by Guinness for over 50 years now when they thought of registering their logo as a harp. So to come to a consensus, it was decided that Guinness would use a harp that would be facing right and coat of arms पे जो harp होगा that would be facing left. तो बहुत सारी ऐसे fun facts हैं Guinness के लिए, but as of now let's go ahead and pour Guinness in our glass and let's see what this beer has to offer. चलिए. देखिए एक्टिवेट हो गया है, लेट्स पोर इट. आपने देखा कि इसके जो बबल्स थे वो नीचे जा रहे थे, दैट वॉज एक्चुअली नॉट द केस. वैसे एक वो आइडिया यही दिखता है कि हाँ भाई वो बबल्स नीचे जा रहे हैं, बट दैट इज नॉट द केस. The thing is ki because of the nitrogen, the bubbles that stick to the glass slower down and the beer apart from that is free to rise upwards. That's why it gives an illusion ki wo bubbles neeche ja rahe hain. Dekhiye kitna achha iska head aaya hai, bilkul creamy head hai iska. So ab hamari beer dal chuki hai. Jaisa ki kaha jata hai ki this is the black stuff. The official color of Guinness is ruby red. तो चलिए देखते हैं क्या वो सच है. Yes, दो बहुत ज़्यादा dark है ये, but actual color is ruby red. Let's get on to the nosing. Let's see कि what this beer has to offer. एक malty सा aroma है इसमें. कुछ रोस्टेड सा कॉफी डार्क चॉकलेट टाइप अरोमा है. लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग, लेट्स सी कि क्या है ऑन द पैलेट. हम्म,
एक हॉपी बिटरनेस है इसमें, प्लस एक बहुत ही हल्का सा, बहुत हल्की सी स्वीटनेस है. आई वुड से इट इज़ मोर और लेस ड्राई बियर. एक रोस्टेड काइंड ऑफ फ्लेवर है इसमें, एक कॉफ़ी का फ्लेवर है इसमें, हल्का सा डार्क चॉकलेट का फ्लेवर है. सो मोर और लेस ऑन द डार्कर साइड ऑफ फ्लेवर्स मैं बोलूँ. और अगर आप देख पा रहे हैं इसका हेड बहुत अच्छा है, तो ये डेफिनेटली जो है ये अगर किसी के फेशियल हेयर होंगे तो वो उस पर लगेगा. तो इट इज़ ऑल्सो अ फन फैक्ट कि अराउंड 160,000 पाइंट्स ऑफ गिनेस इज वेस्टेड एवरी ईयर जस्ट बिकॉज इट गेट्स स्टिक टू द फेशियल हेयर. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट. लेट्स सी कि व्हाट डिड आई मिस. गाइस आप देख रहे होंगे इतना क्रीमी इसका फोम है, इतना क्रीमी इसका टेक्सचर है, और सच में इट इज़ वेरी क्रीमी ऑन द पैलेट. बहुत छोटे छोटे बबल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बट नाइट्रोजन की वजह से बहुत छोटे छोटे बबल्स हैं इसके, विच गिव्स इट अ वेरी क्रीमी टेक्सचर. एंड ऑन द फ्लेवर आई कैन गेट द सेम थिंग्स दैट आई गॉट, कॉफ़ी, डार्क चॉकलेट, एक लास्ट में एक बिटर काइंड ऑफ आफ्टर टेस्ट रह जाता है, विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग आई वुड से. तो अब मुझे समझ आ रहा है कि व्हाई इज़ दिस बियर द फेवरेट बियर ऑफ मासेस इन द वर्ल्ड. अब मुझे समझ आ रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ, सिल्की, वेलवेटी टेस्ट एंड टेक्सचर, इट इज़ अ फेवरेट बियर ऑफ द मासेस. तो अगर मैं इस बियर के एफिशिनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करूं, तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 8.5, बट ऑन द टेस्ट आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ 9.5. तो इस बियर का एफिशिनाडोज नंबर होता है 9. सो एज वी से इन एफिशिनाडोज डेन गाइज, प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. स्टे क्लासी. And cheers.